15 अगस्त 2023 है। पिछली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया हर घर तिरंगा, पूरे मुल्क ने हर घर तिरंगा लहराया। इस मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऐलान है कि मेरी माटी मेरा देश, और 2 दिन तक तिरंगा लहराया जाए और जश्न मनाया जाए। जिन लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया था, कुर्बानी दी, अपनी जान को गंवाया, उनको खैराज अकीदत श्रद्धांजलि दी जाए। ये मोदी सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, विजन 2047। हम उस पार्टी की विचारधारा को हम पसंद नहीं करते, मगर सरकार में है और आज़ादी के ऊपर अगर कोई भी सरकार कोई प्रोग्राम देती है तो उस पर हम अमल करते हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सवाल है, हमारे मुल्क में की आज़ादी का जश्न है। इसलिए सरकार में कौन सी पार्टी है ये हमारे लिए अहमियत नहीं रखती। इसी तरह हम पिछले साल भी मालेगांव शहर में जश्न मनाए थे और इस साल भी मालेगांव शहर में आज रात में भी 14 अगस्त को हुब्बुल वतनी के गीत और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों की यादगार के पास अशोक स्तंभ पर प्रोग्राम रखा गया है। कल 10:15 बजे अवामी झंडा बंधन, जो मालेगांव शहर का सबसे बड़ा अवामी झंडा बंधन होता है, वो होने वाला है। मगर इस शहर में ही कुछ फिरका परस्त जो मुसलसल जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कल 15 अगस्त को एक पॉम्पलेट बांटा जा रहा है, हिंदू स्वराज्य स्वतंत्रता दिन पद यात्रा, म्हणजे हिंदू राष्ट्र स्थापनेच्या देशातील प्रथम संखनाद मालेगावात। ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहला जो संखनाद बजाया जाएगा वो शुरुआत मालेगांव से की जा रही है। ये किस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं, और जो लोग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं ये सब वही लोग हैं जो गढ़की यात्रा में भांगड़ किए, जो दूसरी तरफ मामलात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ये सारे लोग एक ही हैं इस शहर में। उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने की वजह से मुसलसल उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, और 15 अगस्त को सुबह 9 बजे प्रभु श्री राम मंदिर राम सेतु से श्री शिव तीर्थ यानी महाराज शिवजी पुतले तक, इस तरह का प्रोग्राम 15 अगस्त को रखने का मतलब क्या है? जब दस्तूर ने, संविधान ने तिरंगे को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, सबसे आला मान लिया, और 15 अगस्त को सरकार अगर बोल रही है कि हर घर तिरंगा लहराओ, और कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि भगवा हिंदू राष्ट्र और 15 अगस्त को ही, तो ये कहीं ना कहीं 15 अगस्त में जो जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, गांधी हो, भगत सिंह हो, अशफाकउल्ला खान हो, मोहम्मद अली जौहर हो, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, ये इन देश भक्तों की, इन लोगों की कुर्बानी खड़ा करने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि इसकी शुरुआत हिंदुओं से की जा रही है, तो पर कोई कार्रवाई सख्त से सख्त क्यों? दूसरा ये कि लाल किला बनाए, लाल किले पर हर वक्त 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तिरंगा झंडा लहराया जाता, ये भगवा झंडे पोस्टर बना देते हैं, तिरंगे झंडे किनारे पर लगा देते हैं, इसका क्या मतलब? ये देशद्रोह, ये यौम आजादी है, जोश खरोश से मनाई जाए, लेकिन इस तरह का जो लोग हरकत कर रहे हैं, अगर इसी तरह इन लोगों की हरकत हुई, कोई दूसरा तबका कल उठकर खड़ा हुआ और वो बोलेगे हम हरा झंडा निकालेंगे, कोई बोलेगा हम सिर्फ ब्लू झंडा 15 अगस्त को निकालेंगे, तो इससे मुल्क के हालात खराब होंगे, इससे शहर के हालात खराब होंगे। जब तिरंगे झंडे का अपमान हम इसको मानते हैं, इस तरह का ऐलान जो है तिरंगे झंडे का अपमान है, और जब तिरंगे झंडे का अपमान मतलब देशद्रोह, इसलिए ऐसे लोगों पर अब पुलिस को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। सिर्फ अमन और शांति की बात करना या अमन और शांति कायम रखना ये बात बराबर नहीं है, इंसाफ के साथ अमन और शांति कायम रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस अगर ये बोलती है कि सब होने के बाद भी हम अमन शांति रखते हैं तो इंसाफ के साथ नहीं रखती। जब तक गलत को गलत नहीं बोला जाएगा, जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएंगी, उस वक्त तक ऐसे लोगों की हिम्मत खुलेंगी।
हमने पहली कोशिश ये की थी कि पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर इस मामले में बातचीत की जाए, मगर किसी वजह से उनके पास वक्त नहीं है या वो मिल नहीं सके। मिलने के बाद उनसे उस तरह से बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए हम मीडिया को बुलाकर पुलिस डिपार्टमेंट को मीडिया के जरिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की हरकत और इस तरह की बातचीत इस शहर में बंद होना चाहिए जो मुसलसल चल रही है। सीधा साए तिरंगा सबसे ऊंचा, तिरंगा ही सबसे ऊंचा रहेगा। मालेगांव शहर में तो हमने ये शुरुआत 4 साल पहले ही कर दी कि सबसे ऊपर तिरंगा लहराते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम लोग भी कल उस प्रोग्राम में शामिल हो। मेरी आज उन लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि ये जो है ये मुझे किसी मुस्लिम लोगों ने नहीं दिया, बाकायदा जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उन लोगों ने बुला के दिया कि ये सब चीजें बंद होना चाहिए, तुम पुलिस डिपार्टमेंट से बातचीत करो। इस तरह से हम भी इस तरफ परेशान हो गए हैं, कभी भी कुछ भी ये लोग करते हैं, और ये एक ही ग्रुप है, पुलिस को समझ रहा है ये कौन लोग हैं। बस पुलिस की हल्की कार्रवाई या नहीं कार्रवाई की वजह से उनमें हिम्मत बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि ये पॉम्पलेट बनाने वाले, ये पॉम्पलेट छापने वालों पे सख्त कार्रवाई हो, और हमारा जवाब उस ताल्लुक से सिर्फ तिरंगा है। हम आज भी रात में तिरंगे के साथ जश्न मनाएंगे, हम कल भी तिरंगे के साथ जश्न मनाएंगे। तिरंगा जो ये है वो रहेगा, ऐसा समझा जाए। एक तरफ शंखनाद आपके टाइम पे 9:30 बजे वो निकलेंगे और 10:30 बजे आप निकलेंगे। आप हमारा तो शहीदों की यादगार अशोक स्तंभ पे हर साल का प्रोग्राम है, वो कोई उसको जवाब समझे या रेगुलर प्रोग्राम, मगर मैं जो बोला कि हमारे लिए सबसे ऊंचा तिरंगा है और हम सबसे ऊंची जगह पर तिरंगा लहराएंगे, यही जवाब है। ऐसा लगता कि 80 और 90 की दहाई में फिरका परस्ती बढ़ती थी, तो आज वही माहौल है या पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब इस पर ऐसा है कि जानबूझ के की जा रही, जो ये वर्ड है कि हिंदू राष्ट्र स्थापने से देशातिल प्रथम संकनात मालेगावाद, तो इतनी हिम्मत हिंदुस्तान में मालेगांव शहर के किन लोगों में बार बार आ रही है। मेरा सोचने का सवाल यही है कि बार बार ये हिम्मत कैसे उन लोगों में पैदा हो रही है। मुसलसल पिछले कई वाकयात हुए, मैं जो बात बोल रहा हूँ कि पुलिस का काम इंसाफ के साथ अमन और शांति कायम रखना, सिर्फ अमन और शांति कायम रख के ये बोलना कि हम अमन और शांति कायम रख रहे हैं, ये गैर वाजिबी बात है, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ के साथ अगर पुलिस अमन और शांति रखेंगी तो हम भी पुलिस का स्वागत करेंगे, पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे, तो परमिशन देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, और अगर परमिशन नहीं दी गई है और बगैर परमिशन के जो लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पॉम्पलेट से मेरी वकील से बातचीत हुई है, उनको भेजा हूँ, वो जैसी वकील की तरफ से राय आएंगी उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे।